हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स। मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बारी बारी से सभी टॉपिक कवर करेंगे जिसमें कि हमने पिछली वीडियोस में यहाँ पे चैप्टर कवर किए हैं, जिसमें कि हमने चैप्टर 5 यहाँ पे टोटली ही कम्प्लीट कर दिया है, जिसमें कि हमने लेग्स एक्टिव, कार्डियोटोनिक्स एंड कार्बिनेटिस, तो तीनों ही कैटेगरीज और इसकी जितनी भी ड्रग्स थी सभी को हमने पूरी ही फुल डिटेल्स में यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पूरी ही कोग्नोसी है यानी कि टोटली कोग्नोसी जितनी ड्रग्स है सभी को हम चैप्टर वाइज यहाँ पर कवर करने वाले हैं और आपको फ्री में PDF नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर 5 टोटली कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम यानी CNS सिस्टम, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, यानी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इफेक्ट करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ ड्रग्स लिख रखी हैं जो इफेक्ट करती है डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में। तो CNS इफेक्टेड बाई वेरियस ड्रग्स यानी CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है वो कौन कौन से ड्रग्स के द्वारा इफेक्ट होता है, जैसे कि एनेस्थेटिक्स। तो एनेस्थेटिक्स कैसे इफेक्ट करती हैं, जैसे कि क्या होता है आपकी बॉडी में जनरल एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक्स। तो क्या करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो आपकी पूरी ही बॉडी को क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके पूरी ही बॉडी को अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में ला देते हैं। देन एनेस्थेटिक्स में लोकल एनेस्थेटिक्स आते हैं जो क्या करते हैं, आपके एक लोकलाइज्ड एरिया पे वर्क करते हैं, जैसे कि सर्जरी में आपके क्या होता है, जब मान लीजिए पर्टिकुलर आपके हैंड का ऑपरेशन होना है तो क्या करते हैं उसी एरिया पर क्या करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है वहाँ पूरे एरिया जो होता है सुन हो जाता है। देन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स का आप यूज़ करते हैं, एंड एंटी इमिटिंग ड्रग्स भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं, एंटी पार्किंसोनिज्म एजेंट्स, CNS स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक ड्रग्स। तो नारकोटिक्स का फ्रेंड्स आप जानते हैं जितनी भी नशील दवाइयाँ होती सब क्या करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। देन लास्ट यहाँ पर आ जाता है सेडेटिव्स। फ्रेंड्स, ये सभी जो है आपको क्या सेकेंडरी में फार्माकोलॉजी में आप सभी को डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाएंगी। देन आगे हम इसको सभी को यहाँ पर आपको शॉर्ट में सभी समझाने वाले। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स चैप्टर 6 में आपके आएंगी। तो इसमें हायोसियामस, बेलाडोना, एक्नाइट, अश्वगंधा, इफिड्रा, ओपियम, कैनबिस एंड लास्ट में आएगा नक्समोनिका, यानी ये वो ड्रग्स हैं जो आपको चैप्टर 6 में यहाँ पे कवर करनी है। देन साथ ही में इसकी जितनी भी कैटेगरीज आगे आएंगी वो सभी हम कवर करेंगे चैप्टर 6 में। फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारी फर्स्ट ड्रग यानी हायोसियामस। तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, देन आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। देन फ्रेंड्स क्या होता है, आप इसको इंग्लिश में ही ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो ड्रग्स को लिखने की कोशिश क्या करें, जिससे क्या होता है एग्जाम पर जो एग्जामिनर्स होता है उस पर जो इंप्रेशंस पड़ता है गुड इंप्रेशंस पड़ता है, जिससे क्या होता है आपको मार्क्स वो अच्छे दे देता है। देन देख लेते हैं चलिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हायोसियामस की। तो पहले इसके देखते हैं हम सिनोनिमस यानी क्या क्या सिनोनिमस होते हैं हायोसियामस के, इसके अदर नेम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हैनबेन, हायोसियामस हार्प, क्या होते हैं इसके अदर नेम्स होते हैं। देन देख लेते हैं इसकी बायोलॉजिकल सोर्स। तो इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड फ्लोरिंग टॉप्स ऑफ हायोसियामस नाइगा। तो फ्रेंड्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ आपकी टू होती हैं, जिससे कि जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसके प्लांट्स के किस पार्ट से वो ऑप्टेन आपने किया और उस किस कैटेगरी के प्लांट से किया। जैसे क्या है, जो ये प्लांट्स इसका होता है हायोसियामस के क्या होता है टोटली ही ग्रीन कलर्स का होता है, देन क्या होता है इस पर येलो कलर्स के इस पर फ्लोवर्स होते हैं, देन उसकी जो फ्लोरिंग टॉप्स यानी जो फ्लोवर्स के ऊपर एक टॉप्स टाइप में होती है तो उससे कंटेन हम क्या करते हैं हायोसियामस को कंटेन करते हैं। देन इसकी फैमिली देख लेते हैं, इसकी फैमिली यानी हायोसियामस की फैमिली जो होती है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है हायोसियामस में। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं जियोग्राफिकल सोर्स हायोसियामस की। तो जो हायोसियामस है वो इंडिया, यूरोप, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज एक्सेट्रा कंट्रीज है जहाँ पे क्या होता है कल्टीवेशन किया जाता है हायोसियामस का। देन मॉर्फोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं, तो इसका जो कलर होता है पेल ग्रीश ग्रीन होता है। देन इसका ऑर्डर जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसका साइज जो होता है 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। देन इसकी शेप जो होती है ओवेट होती है। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं केमिकल कॉन्सिस्टेंट्स हायोसियामस। तो हायोसियामस जो होता है एल्कोलॉइड्स का कंटेंस किया जाता है, एट्रोपिन, हायोसिन एंड स्कोपोलेमाइंस। तो क्या होता है ये होते हैं केमिकल कॉन्सिस्टेंट्स हायोसियामस के। देन लास्ट में देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके यूजेज हायोसियामस का, किस क्या क्या यूज़ करते हैं हम थेरेपेटिक यूजेज एज ए जनरल लाइफ में। तो एज ए परगेटिव हम यूज़ करते हैं हायोसियामस का, एंड इट इज़ सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स। जो सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स फ्रेंड्स ये वो होते हैं जो क्या करते हैं नेचुरल स्लीप कॉज करते हैं जो हिप्नोटिक्स होते हैं, देन जो सिडेटिव्स यहाँ पे आपके होते हैं वो क्या करते हैं आपकी बॉडी की एक्साइटमेंट को रिड्यूस करते हैं। देन देखें इट इज़ यूज एज ए एंटी स्पास्मोटिक्स। तो क्या होता है एंटी स्पास्मोटिक्स का फ्रेंड्स यहाँ पे मीन्स होता है यानी आपके पेट में ऐंठन वगैरह क्या होती है हो जाती है, जिससे कि पेट में दर्द होने लगता है, यूज़ करते हैं हम
हायोसियामस का। देन डायलिटिक्स आप देखते हो, डायलिटिक्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, यूरिन के आउटपुट को ये इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है आपकी बॉडी से जो नॉर्मल रेंज में यूरिन आपकी बॉडी से बाहर जाना चाहिए वो आपकी बॉडी से बाहर जाता है। देन देख लेते हैं इसकी लीव्स का यूज़ जो होता है नारकोटिक मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी यहाँ पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसके यूजेस जो है इंग्लिश और इंग्लिश प्लस हिंदी, तो दोनों में यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इसको जो इंग्लिश प्लस हिंदी में है इसको आप टोटली इंग्लिश में कर सकते हैं। देन आप जितने भी यूज़ अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको बना के मिक्स करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके लीव्स का जो यूज़ होता है मैनी टाइप्स की क्या होती है नारकोटिक मेडिसिन की प्रिपरेशन में भी किया जाता है। देन देख लेते हैं नेक्स्ट रिलीविंग पेन। तो फ्लेट्स क्या होता है जो हायोसियामस का प्लांट्स होता है तो इसका यूज़ जो किया जाता है पेन से रिलीफ यानी पेन को कम करने रिलीफ लेने के लिए भी हम किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट ड्रग यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम अपनी ड्रग्स देख लेते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना क्या होता है, एक ऐसा प्लांट्स होता है जो जिसकी लीव्स जो होती है टोटली ग्रीन कलर की होती है। देन फ्रेंड्स देखा जाए तो बेलाडोना जो होता है इसके एक प्लास्टर भी आता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कहीं पर भी क्या होता है गांठ टाइप में, जैसे आपने देखा हो कभी गले पर क्या होता है मोस्टली कनवर आपने नाम सुना हो शायद, तो निकल आते हैं तो उसमें क्या होता है जो बेलाडोना होता है उसके प्लास्टर का यूज़ किया जाता है। देन बॉडी में आपकी कहीं पे गांठ बन जाए तो उसमें क्या होते हैं जो बेलाडोना का प्लास्टर्स होता है उसका यूज़ करते हैं। एंड बेलाडोना का जो मैक्सिमम यूज़ देखा जाता है होम्योपैथिक जो टैबलेट्स होती हैं उनके प्रिपरेशन में भी किया जाता है। तो देख लेते हैं सिनोनिमस बेलाडोना का। तो बेलाडोना के सिनोनिमस जो होते हैं एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना प्लांट्स एक्सेट्रा। देन देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्स यानी क्या क्या बायोलॉजिकल सोर्स होती हैं बेलाडोना। बेलाडोना कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट एट्रोपा बेलाडोना। तो फ्रेंड्स क्या होता है एट्रोपा बेलाडोना एक प्लांट्स होता है जिसकी जो लीव्स होती हैं उनसे कंटेंस किया जाता है बेलाडोना को। देन सेकेंड इसमें होता है एट्रोपा एक्यूमिनेटा। तो दोनों ही क्या करते हैं फ्रेंड्स आप जो एट्रोपा बेलाडोना होता है देन सेकेंड यहाँ पे एट्रोपा एक्यूमिनेटा, दोनों ही की लीव्स आप क्या कंटेंस कर सकते हैं बेलाडोना को। देन फ्रेंड्स इसकी जो फैमिली होती है सोलोनेसी। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो पीछे आपने हायोसियामस ड्रग्स पढ़ी देन यहाँ पे आपने बेलाडोना, तो इसकी फैमिली जो है बिल्कुल सेम है। तो आप याद करते टाइम इस चीज़ पर मेनली फोकस करें कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसकी फैमिली जो है आपस में मैच कर रही है, तो आप उस अकॉर्डिंग से क्या कर सकते हो उसके पिन कोड पासवर्ड की तरह उन ड्रग्स को बना के आप उसकी फैमिली को यूज़ कर सकते हैं। देन देख लेते हैं जियोग्राफिकल सोर्स बेलाडोना की। इन इंडिया इज कंसिस्ट फाउंड इन वेस्टर्न हिमालयाज। जो इंडिया में इसके मैक्सिमम जो यहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है बेलाडोना को वेस्टर्न हिमालयाज पर किया जाता है फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं उनमें क्या होता है मैक्सिमम यहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है बेलाडोना का। टू जम्मू कश्मीर यूरोप इंग्लैंड या अदर कंट्रीज है जहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है बेलाडोना का। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या क्या होता है यहाँ पर बेलाडोना का। फ्रेंड्स का कलर जो होता है ग्रीन टू ब्राउनिश ग्रीन होता है। देन ऑर्डर जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका टेस्ट जो देखा जाता है मोस्टली बिटर देखा जाता है। देन देखिए इसकी साइज़ की यानी लीव से जिससे हम इसको कंटेंस कर रहे हैं बेलाडोना को उसकी जो लीव्स होती है उसका साइज़ क्या होता है। तो इसका साइज़ 2 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड होती है इसकी लीव्स। इसकी शेप जो होती है ओवेट होती है और लेंसिड लेड भी होती है। इसके थेरापोटिक यूजेज यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके थेरापोटिक यूजेस क्या क्या होते हैं बेलाडोना के। तो इट इज़ यूज एंटी एलर्जी। तो फ्रेंड्स जो बेलाडोना होता है इसको यूज़ एज ए एंटी एलर्जिक ड्रग्स के रूप में किया जाता है एंड एंटीडोट ऑफ ओपियम। तो ओपियम क्या होता है फ्रेंड्स एक नारकोटिक ड्रग्स में आती है जिसमें क्या होता है मोस्टली आपको देखने को मिलता है जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं उसमें के बाद क्या होता है खाने के बाद इंसान को नशा हो जाता है, जिससे क्या होता है उसको अपना आपा नहीं संभलता, उसको नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उसकी जो नशा होता है ओपियम का उसको उतारने के लिए एज ए एंटीडोट के रूप में भी हम यूज़ करते हैं बेलाडोना। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रग एकोनाइट। तो फ्रेंड्स एकोनाइट जो होती है इसको आप इंग्लिश में भी हमने लिखा हुआ है प्लस हिंदी में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं चलिए इसके सिनोनिमस क्या क्या होते हैं एकोनाइट्स के। तो फ्रेंड्स एकोनाइट्स के सिनोनिमस है मोंगशोड एंड बेचैन। तो क्या होता है इसके सिनोनिमस होते हैं जिनसे अदर नेम से इसके जिससे जाना जाता है एकोनाइट्स को। इन फ्रेंड्स देख लेते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज यानी प्लांट्स से कौन से प्लांट्स से कंटेंस किया जाता है एकोनाइट्स को। तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ एकोनिटम नेपिलस। तो फ्रेंड्स जो एकोनिटम नेपिलस होता है उसकी जो ड्राइड रूट्स होती है, रूट्स मीन्स यहाँ पे फ्रेंड्स होता है जड़ यानी जो उसकी जड़ होती है जो कहाँ होती है जड़ तने के नीचे जो होती है जो यानी कि मिट्टी के अंदर होती है। तो उसकी जो ड्राइड यानी सूखी हुई जो रूट्स होती है एकोनिटम नेपिलस की उससे कंटेंस हम करते हैं यहाँ पे एकोनाइट्स को। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी फैमिली क्या होती है एकोनाइट्स की। तो एकोनाइट की फैमिली जो होती है रेनुंसुलेसी होती है जिसको आप हिंदी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। देन देख लेते हैं ज्योग्राफिकल सोर्स यानी कौन कौन सी कंट्रीज है जिनमें कल्टिवेशन किया जाता है एकोनाइट्स का। तो इंडिया जर्मनी स्पेन स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स ये कंट्रीज है जहाँ पे क्या कल्टिवेशन किया जाता है यहाँ पे एकोनाइट्स का। देन देख लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल सोर्स यानी क्या क्या मॉर्फोलॉजी होती है
फिजिकल यानी क्या जो बेसिस फिजिकल बेसिस पर जो इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, देखिए जी इसका कलर जो होता है वो डार्क ब्राउन होता है, तो इसका ऑर्डर जो होता है स्लाइट ऑर्डर होता है, इसका टेस्ट जो होता है वो भी स्लाइट होता है। इसका साइज़ देख लेते हैं, इसकी जो डिराइड रूट्स होती है उसका साइज़ क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका साइज़ 4 to 10 centimeter लॉन्ग होता है एंड 1 to 35 centimeter जो होता है ब्रॉड होता है। देन देख लेते हैं केमिकल कॉन्स्टेंट्स यानी क्या क्या केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं यहाँ पर एकोनाइट्स के। तो फ्रेंड्स जो एकोनाइट्स के केमिकल कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर होते हैं नियोफिलाइन होता है एंड नियोलाइंस। देन यहाँ पर सेकेंड होता है एल्केलाइड्स एंड हाइपोकोनाइटिन। तो ये होते फ्रेंड्स केमिकल इसके कॉन्स्टेंट्स। तो केमिकल कॉन्स्टेंट्स आप देखा जाए तो अपने पास से कुछ और ही है तो याद करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आप यहाँ पे इसको 3 भी लिख देते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स ये सिर्फ जो डीफार्मा उसमें इतनी आपको डीपली ड्रग्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। डीपली एक्सप्लेन आप डीफार्मा अगर करते हैं तो उसमें जाकर आप उसको डीपली एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें इन सभी पॉइंट्स के साथ आपको उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी वहाँ पर देना होता है। देन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके यूजेस यानी क्या क्या यूज होते हैं एकोनाइट्स के। तो इट इज़ एक्सटर्नली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिमिनेंट्स ऑफ क्रिएटिन्स। तो फ्रेंड्स जो इसका एक्सटर्नली बॉडी पर हम यूज़ करते हैं एज ए लिमिनेंट्स की फॉर्म में हम करते हैं, जो कि आपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो डिफार्मा फर्स्ट टाइम में है उसमें आपने इसको जनरली ही पूरा ही पढ़ा होगा। देन देख लेते हैं न्यूरोलॉजिया इन्फ्लामेशन। तो ये भी डिसीज जिनमें यूज़ किया जाता है एज ए लिमिनेंट्स के रूप में यहाँ पे एकोनाइट्स का। देन सेकंड देख लेते हैं एनाल्जेसिक के रूप में, यानी एनाल्जेसिक आप समझ रहे होंगे एनाल्जेसिक एंटीपायलेटिक एनेसेट्स। तो इनके भी यूज़ में कि हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं एकोनाइट्स का एज ए कार्डियक डिपिलसेंट्स। कार्डियक्स आप यह समझ रहे होंगे यानी कार्डियक का मीन्स होता है हार्ट, यानी हार्ट को डिपिलसेंट्स करने में हम यूज़ करते हैं एकोनाइट्स का। इट इज़ यूज इन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो फ्रेंड्स जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसन्स होती है उनके प्रिपरेशंस यानी टेबलेट्स हों सिरप्स हों तो उसको भी को बनाने में भी हम यूज़ करते हैं एकोनाइट्स का। फ्रेंड्स और भी इसके मैक्सिमम यूज़ होते हैं लेकिन यहाँ पे हम सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है आपको सिर्फ डिफार्मा के बेस से सिर्फ इतना ही लिखना होता है। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देन इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने इसकी लिंक डाल देंगे, जहाँ पे हम व्हाट्सअप ग्रुप देन टेलीग्राम तो दोनों की हम लिंक वहाँ पे डालेंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पे आप सारे ही जो नोट्स हैं पीडीएफ के थ्रू वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। देन आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 ड्रग्स यहाँ पे कवर किए हैं हाइसियामस बेलेडोना एकोनाइट। तो ये हमने सिर्फ इसलिए किए क्योंकि वीडियो लेक्चर जो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ बनाएंगे जिसमें अश्वगंधा इफिड्रा ओपियम, तो 3 ड्रग्स हम अगले लेक्चर्स में यहाँ पे कवर करेंगे। देन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे कैनबिस एंड नक्सोमिका। तो फ्रेंड्स शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे जिससे कि आप भी इसको पढ़ने में बोलना हो इजिली आप इसको समझ सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।